हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज। आरटी सीरीज के रास्ते पर हैं। इकोनॉमिक्स का समय आ चुका है, डे 6 पार्ट 2 इकोनॉमिक्स। और आज हम स्टैटिस्टिक्स चालू कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने खत्म कर दी, 40 नंबर कवर कर लिए, आज स्टैटिस्टिक्स चालू कर रहे हैं। पहला चैप्टर आज हम फिनिश कर देंगे स्टैटिस्टिक्स का है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत सारा कवर करना है। तो विद दिस सेट हम लोग फटाफट अपने चैप्टर पे बढ़ते हैं। और चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास आता है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन। ये सेम चीज हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में भी करी थी कि ह्यूमन एक्टिविटीज दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कोई भी वो एक्टिविटी जो कि हमें जीविका जीने के लिए या जिससे हम पैसे कमाते हैं उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और जो एक्टिविटी हम संतुष्टि के लिए करते हैं, अपने मन की संतुष्टि के लिए करते हैं, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के तीन एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन पे भी बढ़ते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कोई पैट्रियोटिक काम हो गया, कोई रिलीजियस काम हो गया, मतलब आपने देश के लिए कुछ किया, अपने धर्म के लिए कुछ किया, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ किया, तो कोई पेरेंटल काम हो गया ऐसा कोई भी, या सोसाइटी के लिए कुछ किया तो सोशल काम हो गया। तो ऐसा कोई भी काम यदि आप करते हैं जिससे पैसा वैसा तो आपको नहीं मिलना, लेकिन उससे क्या है, आपको संतुष्टि मिलती है, ठीक है, तो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो कंजम्पशन पे आ जाते हैं हम। कंजम्पशन का क्या मतलब होता है, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वॉन्ट्स नीड वॉन्ट। हमने बहुत ज्यादा डिटेल में किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, मैं दोबारा से इस पे समय नहीं देना चाहूंगा। फिलहाल कंजम्पशन का मतलब होता है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज मार्केट में है उसको अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करने के लिए यूज करें, उसको कंजम्पशन कहते हैं। प्रोडक्शन का मतलब होता है इट इज द एक्टिविटी अंडरटेकन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम को जनरेट करने के लिए जब हम गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, उसको प्रोडक्शन कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इट इज द स्टडीज दैट स्टडी हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जितने भी लोगों ने ये प्रोडक्शन में मदद करी है। अब देखो ना, एक फैक्ट्री में कितने सारे लोग होते हैं, एक सप्लायर होएगा, एक मैन्युफैक्चरर होएगा, एक वर्कर होएगा जो फैक्ट्री में काम कर रहा होएगा, एक रॉ मटेरियल होएगा, कोई एजेंट होगा, होलसेलर होगा। तो जितने भी लोग प्रोडक्शन में काम करते हैं, मदद करते हैं, उन सबके पास इनकम मतलब पैसा, मनी अच्छी खासी अमाउंट में, कंसिडरेबल अमाउंट में जितना बटना चाहिए उतना बटे, उस चीज को डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। फिर आता है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग। स्टैटिस्टिक्स ही हमारे सब्जेक्ट का नाम है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के मतलब से ही चालू करेंगे कि इसका नाम क्यों रखा है, ऐसा क्या मतलब है इस नाम का। प्लूरल सेंस में अगर मैं बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है इट इज रेफर टू एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड बाय द मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस न्यूमेरिकली एक्सप्रेस एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। बहुत लंबी डेफिनेशन है, हमको याद भी नहीं करनी, सच सच बताऊं हमको याद भी नहीं करनी, लेकिन समझनी जरूर है। समझने के लिए मैं आपको इसका एक एक पार्ट में लेके जाऊंगा, थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में समझाऊंगा। सबसे पहले बात आती है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स मतलब भाई मेरी अकेले की हाइट स्टैटिस्टिक्स नहीं कही जा सकती। जब तक आप फैक्ट को, डाटा को, बहुत सारा डाटा को इकट्ठा नहीं करोगे तब तक आप स्टैटिस्टिक्स बोल ही नहीं सकते ना, मान ही नहीं सकते। एग्रीगेट मतलब एडिशन मतलब सम अप टूगेदर, और फैक्ट्स मतलब डाटा। तो जब सारा का सारा डाटा एक साथ आ जाता है, कंबाइन हो जाता है, ऐड हो जाता है, तब उसको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। मेरी अकेले की हाइट स्टैटिस्टिक्स नहीं है। हाँ, मेरे घर में जितने लोग हैं उन सबकी हाइट नापो तो वो स्टैटिस्टिक्स है। आपकी अकेले की हाइट स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उन सबकी हाइट को रिकॉर्ड करो तो वो स्टैटिस्टिक्स है। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स इसमें नापा जाता है, जो कि अफेक्ट हो सकते हैं टू सम एक्सटेंट, या जो भी एक्सटेंट हमने नापा है कि इतनी लिमिट तक, यहां तक इफेक्ट हो सकते हैं, इतना बढ़ सकते हैं, इतना कम हो सकते हैं। कैसे, बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस का मतलब है कि कोई एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है, मल्टीपल कॉजेज है। मल्टीपल मतलब बहुत सारे रीजन है कि क्यों इस डाटा में अंतर आ सकता है, क्यों ये डाटा चेंज हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस मतलब
सिर्फ वही डाटा आप स्टैटिस्टिक्स में इन्वॉल्व करेंगे या मानेंगे जिसको आप नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, लिख पाए, समझा पाए। मेरे को खुशी हो रही है तो ये कोई डाटा नहीं है, ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि खुशी को आप नंबर्स में नहीं बता सकते। हाँ, मेरे को 100 रुपए खर्च करके खुशी मिली, तो मैंने जो 100 रुपए खर्च किए तो वो 100 रुपये को मैं नंबर में दिखा सकता हूँ। वो तो ठीक है कि मैंने 100 रुपए खर्च किए, पिक्चर देखी, मुझे खुशी मिली, वो तो बात अलग है। 100 रुपए को तो आप बोल सकते हो स्टैटिस्टिक्स, लेकिन ये जो खुशी है, ये फीलिंग्स को आप नंबर्स में नहीं दिखा सकते। तो सिर्फ वही चीज आएगी जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगी। एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। एस्टिमेटेड मतलब इसलिए क्योंकि आप अंदाजा लगा रहे हो एग्जैक्टली क्या होगा, ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि ये सारी बातें फ्यूचर से रिलेटेड है और फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। तो आप एस्टिमेट करते हो किस चीज से, किस बेसिस पे एस्टिमेट करते हो, आप स्टैंडर्ड, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी के बेसिस पे एस्टिमेट करते हो। रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी का मतलब होता है कि भाई एक्यूरेसी मतलब कितना एक्यूरेट है, कितना सटीक है। रीजनेबल स्टैंडर्ड मतलब सटीकता कंसिडरेबल, ऐसे नहीं कि ओंधी पौंधी कोई भी हमने वैल्यू ली, किसी को भी किसी से भी मल्टीप्लाई करके प्लस करके कर दिया, नहीं। सटीकता नापी जाएगी कितना एक्यूरेट है, और वो भी एक्यूरेट भी एक रीजनेबल स्टैंडर्ड से होना चाहिए। मतलब जैसे आप ऐसे समझो कि जब आप सब्जी खरीदने जाते हो तो आपको जो सब्जी, आपने बोला भैया 1 किलो सब्जी दो, आप नहीं जाते, आपकी मम्मी जाती होंगी, कोई तो जाता होगा घर में से, तो आपने बोला भैया 1 किलो सब्जी दे दो। अब रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी का मतलब है कि वो जब 1 किलो का वाट, यू नो, जो तराजू के एक साइड तो वो आपकी सब्जी रखेगा, दूसरी साइड वो बड़ा सा लोहे का पीस रखता है डंबल जैसा, ठीक है, मतलब डंबल के एक सर्कल जैसा, उस पर लिखा होता है 1 kg, ठीक है, उसका डिजाइन कुछ कैसा होता है, ऐसा सा डिजाइन होता है उसका, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, और बीच में ऐसा कुछ डिजाइन होएगा, उसमें या तो यहां 1 kg लिखा होता है, ऐसा देखा ना आपने, हाँ, तो उसमें उसका रीजन क्या होता है कि भाई जब ये प्रॉपर शेप का है, प्रॉपर इस पे वेट लिखा हुआ है, तो आप देखो ये जितने भी वेट होते हैं ना, ये उनको चेक करवाने पड़ते हैं कि ये एक्चुअली में 1 किलो का है भी या नहीं, 1 किलो से कम या 1 किलो से ज्यादा तो नहीं है, तो ये चेक किए जाते हैं। जब ये वेट चेक हो जाते हैं, इनपे एक स्टैंप लगता है। अच्छा, लोहे का है तो हमें स्टैंप दिखाई नहीं देगा, वो इसके नीचे लगता है, एक जैसे गोल्ड खरीदने जाओ तो उसपे एक स्टैंप लगता है कि हाँ भाई ये गोल्ड सच्चा है, प्योर है, ऐसे इस पे भी स्टैंप लगता है। तो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी का मतलब है कि अगर सामने वाला सब्जी वाला ये, अगर ये उसने यूज किया है 1 किलो सब्जी देने के लिए, तो मतलब ठीक है भैया, हमें 1 किलो ही सब्जी मिल रही है, लेकिन इसकी बजाय उसने इतना बड़ा कोई पत्थर रख लिया, इसकी बजाय उसने इतना बड़ा कोई पत्थर रख लिया, अब आप नहीं पता कर सकते कि इस पत्थर का एग्जैक्ट वेट कितना, तो वो अगर ये पत्थर रख के आपको 1 किलो सब्जी नाप के देगा, तो देन यू कैन नॉट से कि ये सब्जी एग्जैक्ट 1 किलो है या नहीं, बोलो बराबर, क्योंकि पहले तो हमको एश्योरेंस थी कि 1 किलो का ही ये जो इसने वेट रखा है वो 1 kg ही है, क्योंकि ये प्रॉपर स्टैम्प्ड है और क्या नाम है, पूरे प्रॉपर वेट में है, सब कुछ है। ये जो पत्थर यूज किया है इस बार, ये प्रॉपर वेट में नहीं है, तो अब हम नहीं बता सकते कि जो उसने सब्जी हमें नाप के दी है वो एग्जैक्टली 1 किलो है या नहीं, यही डिफरेंस है। अगर वो ये चीज यूज करता है तो मतलब वो एक्यूरेट आपको सब्जी दे रहा है, और अगर वो पत्थर यूज करता है तो मतलब वो एक्यूरेट सब्जी नहीं दे रहा है। तो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी का मतलब है कि जितनी एक्यूरेटनेस होनी चाहिए, जितना एक्यूरेट होना चाहिए उतना हो। क्या होना चाहिए एक्यूरेट? ये फ्लक्चुएशन, ये इफेक्टनेस, ये डाटा, जितना भी एक्यूरेट आप डाटा ले सकते हो उतना एक्यूरेट डाटा लो। मेजर्ड कांग्या, एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, मतलब जितना एक्यूरेसी होनी चाहिए उतनी एक्यूरेसी आप लो। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, फिर जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया वो तमीज में होना चाहिए, ये नहीं मुंह उठा के गए सब किसी जो सामने आया उससे पूछ के शीट भर ली, नहीं। आप प्रॉपर सर्वे करो, आप प्रॉपर इंटरव्यू लो, आप प्रॉपर लोगों के पास जाओ। अब एक एक्सीडेंट हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस वक्त जहां एक्सीडेंट हुआ उस वक्त जो लोग मौजूद थे उनसे ही तो उनकी इंफॉर्मेशन लोगे ना एक्सीडेंट की,
कि भाई कैसे हुआ, क्या देखा आपने, वो नहीं लोगों से जाके पूछोगे। ऐसे ही अपने घर के बाहर निकल के बाजू वाले से तो नहीं पूछ लोगे ना। तो यही है कि आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो एक सिस्टमेटिक मैनर में प्रॉपरली कलेक्टेड होना चाहिए फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस मतलब जिस भी पर्पस को लेके आपने डाटा कलेक्ट किया है वो पर्पस पहले से आपको भी क्लियर होना चाहिए। अब मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने गए, तो मेरे को पता था कि मेरे को एक्सीडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, इसलिए मैं ये पता लगा पाया कि मैं वहां जाके इंफॉर्मेशन लूंगा। अगर मैं ऐसी घर के बाहर आके खड़ा हो गया, मेरे को पता ही नहीं करना क्या है, पर्पस क्या है मेरा, और ऐसे ही सबसे इन्फॉर्मेशन लेता फिर रहा हूं, तो मैं पागल हुआ ना भाई। जब तक मेरे को मेरा गोल नहीं पता होगा, मेरा पर्पस नहीं पता होगा, तब तक कोई फायदा ही नहीं है। उसके बाद आता है एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, और जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको एक दूसरे के कंपैरिजन में रखो, एक दूसरे के साथ रखो। फिर से वही बात आती है एग्रीगेट वाली, कि एक दूसरे के साथ कलेक्ट करके रखो। अब मैंने क्यों इतना टाइम सिर्फ एक डेफिनेशन समझाने में लगा दिया, क्योंकि आप देखो उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी, सिर्फ हेड पॉइंट लिखे। और जरा एक बार हेड पॉइंट रीड करो और ये डेफिनेशन रीड करो, एग्जैक्टली ये डेफिनेशन ही है जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटी गई है, जैसे एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, ये यहां भी है। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, वो भी मैंने अभी आपको समझाया। Should have collected with reasonable standard of accuracy, तो reasonable standard of accuracy भी मैंने अभी आपको समझाया। Must be collected for predetermined purpose, तो मैंने predetermined purpose भी अभी आपको समझाया। Collected in a systematic manner, तो वो भी मैंने अभी आपको बताया। और should be placed in relation to each other, ये भी मैंने अभी आपको बताया। तो मैंने अभी जो आपको समझाया वो ना ही केवल definition समझाई है, but इसके meaning या feature of कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स भी आपको समझा दिए हैं। तो एक के ही साथ दो टॉपिक हमने खत्म किए, क्योंकि कुछ डिफरेंट नहीं है, सब कुछ सेम है। इसी के ही साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। ये था इन प्लूरल सेंस, ये है इन सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में मतलब क्या होता है, कलेक्शन प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। छोटी सी डेफिनेशन है, कलेक्शन मतलब डाटा को कलेक्ट करना, प्रेजेंटेशन मतलब फिर उसको किसी के सामने प्रेजेंट करना कि भाई देखो हमने ये डाटा कलेक्ट किया है, एनालिसिस कि फिर उस पर दिमाग लगा के उससे एनालिसिस करना कि अच्छा अगर मैंने शहर के लोगों का डाटा कलेक्ट किया तो इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, इतने 30 की उम्र के हैं, इतने 40 की उम्र के हैं, उसको एनालाइज किया आपने। एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इंटरप्रिटेशन मतलब जब उस इंफॉर्मेशन को यूज करके, उस डाटा को यूज करके आप डिसीजन लेते हो, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हो, एक इंटरप्रेट करते हो कि अच्छा इस शहर में 40% फीमेल्स हैं, मैं एक बुटीक चला रहा हूं या चला रही हूं, व्हाटएवर, तो मेरे को एक इन 40% लेडीज को या 40% पॉपुलेशन को टारगेट करना है। तो अब मैंने इंटरप्रेट कर लिया कि अब मैं आगे क्या करूंगा, कि इस डाटा का मैं कैसे यूज कर सकता हूं, वो चीज है कलेक्शन प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। फीचर्स इसके अगेन वही खेल है कि जो इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है वही इसके फीचर है, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालाइजिंग ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। एक चीज और आ गई, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, ये डेफिनेशन में नहीं था, एक चीज एक्स्ट्रा है। तो अब सुनो, ये ऑर्गेनाइजिंग कलेक्शन के बाद है, प्रेजेंटेशन से पहले है। अब पूरा प्रोसेस ध्यान से सुनो। सबसे पहला प्रोसेस, मैंने जाके डाटा को कलेक्ट किया, पूरे मेरे शहर में जितने लोग रहते हैं उन सबकी एज को, इन सबके जेंडर को कलेक्ट किया, रिकॉर्ड की, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया कि मेल्स इतने, फीमेल्स इतने, 10 से 20 साल की उम्र के इतने, 20 से 30 साल की उम्र के लोग इतने, 30 से 40 साल की उम्र के लोग इतने, उसको ऑर्गेनाइज किया मतलब उसको तमीज में लिखा, प्रॉपरली लिखा। पहले मैं घर से चालू हुआ निकलना तो किसी ने 20 मेल बोला, 30 फीमेल बोला, 35 फीमेल बोला, 40 मेल बोला, तो पहले ऐसे डाटा था। अब फिर मैंने उसको तमीज में एक क्या अच्छी सी टेबल के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, फिर मैंने उसको प्रेजेंट किया कैसे, ग्राफ के फॉर्म में या पाई चार्ट होता है ना, वो सर्कल वाला मैथ्स में पहले पढ़ा है कि 60% मेल्स हैं, 40% फीमेल्स हैं, उसको कलर करके या शेड करके व्हाटएवर, वैसे प्रेजेंट किया मैंने डाटा को। फिर आएगा एनालिसिस के, मैंने भाई ये एनालाइज किया कि इतने ये हैं, इतने ये, सारे डाटा को समझ लिया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और देन इंटरप्रिटेशन के इसको यूज करके फिर मैंने कोई डिसीजन लिया या कुछ इंटरप्रेट किया।
ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस की। अब जो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि कलेक्शन में क्या, ऑर्गेनाइजेशन में क्या, यही हमारा आगे जाके एक्सप्लेनेशन बनने वाली है चैप्टर्स की। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डाटा, उससे नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, फिर नेक्स्ट चैप्टर है प्रेजेंटेशन, फिर एनालाइजिंग, फिर इंटरप्रेटिंग। ऐसे हमारा अब ये एक एक चैप्टर है, ये हमारे चैप्टर्स नहीं है, ये हमारा एक 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 चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, पाई चार्ट, टेबल, ग्राफ्स, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, बड़े मजे से। मैंने यूट्यूब पे पहले स्टैटिस्टिक्स कवर भी नहीं किया है, सिर्फ यही चैप्टर पढ़ाया है इंट्रोडक्शन, उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ाया भी नहीं है इससे पहले। तो मेरे को भी बहुत मजा आएगा पढ़ाते हुए, आपको भी बहुत मजा आएगा पढ़ते हुए, लेकिन वो तभी होगा जब हम पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे। उसके लिए फटाफट इसको नोट डाउन करो और हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते ही हमको मिलती है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बहुत सारे अलग अलग लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स की अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। टू फुलफिल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स, भाई जब स्टैटिस्टिकल डाटा होगा गवर्नमेंट के पास, तभी वो बता पाएगी कितने लोगों को जरूरत है वेलफेयर की, गवर्नमेंट सपोर्ट की, कितने को नहीं है, मतलब कौन गरीब है कौन नहीं है। फॉर एफिशियंट रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ताकि आसानी से चल पाए, सब लोगों का ध्यान रखा जाए, बहुत सारा डाटा लगता है, कितने मिडिल क्लास लोग हैं, कितने अपर क्लास लोग हैं, बहुत सारी चीज होती है, हमको तो आइडिया भी नहीं है, लेकिन ताकि उनका काम काज अच्छे से चल सके, देश के जनता को ध्यान में रख के वो लोग पॉलिसीज बना सके, उसके लिए उनको इसकी जरूरत होती है। इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स बनाने के लिए, जैसे कि मैंने अभी बात करी कि पॉलिसीज वगैरह बनानी है, कोई रूल बनाना है, कोई बजट पास करना है, उन सब के लिए जरूरत है इस इकोनॉमिकल डाटा की। इन डिटरमाइनिंग पॉपुलैरिटी ऑफ वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स, कई पॉलिटिकल ग्रुप्स इस डाटा का यूज करते हैं ये देखने के लिए कि जनता के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी कैसी है, कितना जनता उनको सपोर्ट करती है कितना नहीं। तो ये गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंस रहता है स्टैटिस्टिकल डाटा का। इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज बनाने के लिए काम आता है स्टैटिस्टिकल डाटा। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझना है और फिर उसको सॉल्व करना है। कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है भाई, हमने 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, हाउ टू प्रोड्यूस, वॉट टू प्रोड्यूस, वाई टू, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वो उन तीनों प्रॉब्लम को समझना है, उसके फिर देखना है कि भाई डिमांड सप्लाई मैच करवा करवा के, जो भी हमने माइक्रो में पढ़ा बेसिकली, वो सारी इंपॉर्टेंस होती है। स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है, मोनोपोली है, मार्केट में ओलिगोपोली है, कहीं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, कहीं मोनोपोली पे तो नहीं जा रहे, सब जगह मोनोपोलिस्टिक ही लगी हुई है, क्योंकि मोनोपोली हो जाएगी तो फिर देश के लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि वो कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं होती है ना मोनोपोली, एक ही बंदा होता है, वो जितना चाहे जितना महंगा चाहे उतना महंगा सामान बेचे, तो उसके लिए ये भी सारी चीजें देखनी पड़ती है। हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप, तो कई सारी चीजों के बीच में रिलेशनशिप बिठानी कि भाई अगर इन्फ्लेशन कितना है, डिफ्लेशन कितना है, इतना परसेंट है, इतना आरओआई होगा, इतना बैंक लोन, बैंक के लोन पे रेट वो होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, ये होगा इतना वो, बहुत सारी जगह यूज होता है, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कहाँ कहाँ यूज होता है। फिर आता है प्राइस एनालिसिस, ये प्राइस एनालिसिस हमने सीखा है इकोनॉमिक्स के लास्ट यूनिट के लास्ट चैप्टर में, हमने प्राइस डिटरमिनेशन वाले में बहुत इतने सारे 20 ग्राफ्स देखे थे अलग अलग टाइप के प्राइस, तो वो प्राइस एनालिसिस करने में भी इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिकल डाटा की जरूरत पड़ती है। इकोनॉमिक प्लानिंग में कैसे जरूरत पड़ती है, नीड ऑफ फिगर्स एट एवरी लेवल एट एवरी स्टेज, ये एस लिखा हुआ, सॉरी राइटिंग को थोड़ा माफ करना, तो हर स्टेज पे इकोनॉमिक प्लानिंग की फिगर्स की आपको जरूरत है, आपको डाटा की जरूरत है, आपको नंबर्स की जरूरत है, वो सारी चीजें स्टैटिस्टिकल डाटा आपको देता है। एबल टू एक्सेस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कितना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज हमारी कंट्री में है, वो सारी चीजें के लिए भी स्टैटिस्टिकल डाटा लगता है। आपने देखा ना, हमने पहले पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में ज्योग्राफी में कि ये एरिया पे गोल्ड माइन है, ये एरिया कोल के लिए बहुत जो है रिच है, साउथ एंड सदर्न इंडिया इस रिसोर्स के लिए रिच है, तो वो सारी चीजें कैसे पता चलती हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा की वजह से ही तो पता चलती हैं। नेक्स्ट है एबल टू डिसाइड वेदर रेट ऑफ ग्रोथ इज सस्टेनेबल और नॉट, अगर कोई प्रोजेक्ट उठाना है, कोई पॉलिसी वगैरह बनाई है, तो उससे कितनी ग्रोथ होगी, कोई प्रोजेक्ट है, कोई मशीन है, तो उससे कितना ग्रोथ हमारा देश ले पाएगा या कोई भी ले पाएगा, और क्या वो रेट ऑफ ग्रोथ सस्टेनेबल है, क्या हम उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, क्या उससे आगे जाके कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, वो सारी चीजें देखने में भी स्टैटिस्टिकल डाटा
मदद करेगा। मे रिवील वेरियस डाटा, बहुत सारे और भी टाइप के डाटा वगैरह रिवील कर सकता है, जैसे कि बात की इन्फ्लेशन रेट कितना है, डिफ्लेशन रेट कितना है। आप लोग ट्वेल्थ में पढ़ोगे मनी एंड बैंकिंग वाला जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है बेसिकली, उसमें ये सारी चीजें ही है, उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें ही है उसमें भी। जो हमने तो माइक्रो और मैक्रो साथ में पढ़ी थी ट्वेल्थ में, तो हम तो उस पुराने जमाने के, लेकिन तुम लोगों का अलग अलग है, तो ठीक है तुम लोग तब पढ़ोगे। बिजनेस में कैसे यूज होता है इकोनॉमिक्स का, तो टू स्टैब्लिशिंग बिजनेस यूनिट, भाई बिजनेस यूनिट स्टैब्लिश करने से पहले, स्थापित करने से पहले देखना पड़ेगा कि मैं जो बिजनेस करना चाह रहा हूँ कितना फिजिबल है, कितना आसान है, कितना नहीं, फैक्ट्री लगानी है तो कहाँ लगानी चाहिए, कहाँ नहीं लगानी चाहिए, कितने वर्कर्स रखूं, कितने प्रोडक्शन रखूं, कितनी फैक्ट्री रखूं, उन सबके लिए आपको स्टैटिस्टिकल डाटा की जरूरत पड़ती है। फॉर एस्टिमेटिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिमांड, जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं जिसमें मेरा बिजनेस डील कर रहा है उसकी कितनी डिमांड है मार्केट में, ये कैसे पता चलेगा, हमने पढ़ा हुआ है कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा हुआ है, हमने पूरी यूनिट पढ़ी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, वहां से हमें डिमांड का पता चलेगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग, वो हमने जो अगला यूनिट पढ़ा था प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, वो चीज वहां से पता चलेगी। तो फिर आता है फॉर मेकिंग, चलो ये नहीं है, तो डिमांड और सप्लाई हमको पता चल गया, प्राइस एनालिसिस हमको पता चल गया, पूरी इकोनॉमिक्स जो हमने अभी तक माइक्रो इको में पढ़ी है वो भी, और जो अब हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने वाले हैं वो भी, दोनों ही चीजें अब आके मिक्स हो रही हैं इस टॉपिक में, तो आपको बड़ा आसान रहेगी याद करने में कि प्रोडक्शन प्लानिंग में काम आता है जी, एस्टिमेटिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट में काम आता है, फॉर मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल में भी काम आता है, कि वो आप अपने गुड की क्वालिटी अपने हाथ में रख सकते हो थ्रू स्टैटिस्टिक्स। आप अभी हम आगे पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा, जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें सेंसस और सैम्पलिंग एक मेथड है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें से एक सैंपल उठा के चेक करते हैं, जैसे जो सैंपल के रिजल्ट्स आएंगे वो हम मान लेते हैं कि भाई बाकी के सारी प्रोडक्शन ऐसी है, अगर सैंपल एवरेज से नीचे है तो हमें पूरी की पूरी प्रोडक्शन वापस भेज देते हैं उसको सही करके, अगर सैंपल्स एवरेज है पास हो जाता है चल जाता है तो फिर हम उसे आगे भेज देते हैं। तो बहुत सारा डाटा की जरूरत पड़ती है मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल में भी। फिर है फॉर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, भाई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि जैसे कि अभी बात करी थी हमने कि कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितनी किस उम्र के हैं, कितने किस उम्र के, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या इनकम है, सारा डाटा हमारे पास होगा तो हम उसी हिसाब से फिर उस टाइप की ऑडियंस को हम मार्केट कर सकते हैं कि इसको यहां से मार्केट करेंगे। ठीक है, अगर टीनेजर का लिए कोई प्रोडक्ट है तो भैया हम इंस्टाग्राम पे जाके मार्केटिंग करेंगे, थोड़े 30-40s के लोगों के लिए थोड़ी सी हमारा प्रोडक्ट है तो उसके लिए फेसबुक पे मार्केटिंग करेंगे। तो सब चैनल्स के लिए, सब अलग अलग स्ट्रेटेजीज के लिए हमको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए स्टैटिस्टिकल डाटा का यूज रहता है। फिर उसके बाद आती है हमारे सामने लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला तो यही कि डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव फिनोमेना को वो नहीं देखेगा। हमने देखा कि भाई वो सिर्फ डाटा लेगा, कैसा, वो भी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस डाटा, नंबर्स में जो एक्सप्रेस हो जाए, क्वांटिटी क्वांटिफाइड डाटा होना चाहिए, तो उसके अलावा वो और कोई डाटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे फोन में पासवर्ड डालते हैं गलत डल जाता है, एक्सेप्ट नहीं होता, ऐसे। फिर आता है डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करेगा, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट ऑफ डाटा के साथ डील करेगा, कॉम्बिनेशन टुगेदर के ऑफ डाटा के साथ डील करेगा, कलेक्शन ऑफ डाटा के साथ डील करेगा। कैन बी मिसयूज्ड, मिसयूज्ड कैसे, अगर आपको नहीं पता कि स्टैटिस्टिकल डाटा का सही यूज कैसे करना है, तो आप उससे उल्टे सीधे अजम्पशन लगा के उल्टे सीधे डिसीजन ले लोगे। तो दिस कैन बी मिसयूज, अगर किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ जाए तो वो उसी हिसाब से उसका यूज कर सकता है, उसी हिसाब से अपने नेगेटिव इंटेंशन के लिए उसका गलत यूज भी कर सकता है। तो इट कैन बी मिसयूज, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज बेसिस, भाई एवरेज बेसिस पे रिजल्ट्स ट्रू होते हैं। अगर एक शहर में ऑन एन एवरेज एक हफ्ते, अगर एक शहर में तीन चोरियां होती हैं, मान लो सिर्फ इतना है कि एक शहर में तीन चोरियां होती हैं पर मंथ एवरेज, तो और अगर पहले महीने में तीन चोरी हो, पहले दिन तीन चोरी हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी के पूरे महीने में और कोई चोरी होएगी नहीं। जो डाटा हमारे पास निकल के आया है वो एवरेज बेसिस पर ट्रू होता है, वो एग्जैक्टली ट्रू नहीं होता है। तो कोई भी डाटा स्टैटिस्टिकल्स का एग्जैक्टली ट्रू नहीं होता है। अगला पॉइंट भी यही है कि लॉज आर नॉट एग्जैक्ट, जैसे साइंस के लॉज एग्जैक्ट होते हैं, मैथ्स के फॉर्मूलेज एग्जैक्ट होते हैं, हर केस में वही लगते हैं, स्टैटिस्टिक्स में ऐसा नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स में हर केस में आपको नए तरीके से रिजल्ट निकालना पड़ेगा, उसके लॉज उतने ज्यादा रिजिड, उतने ज्यादा एग्जैक्ट नहीं है।
ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ द डाटा. सिर्फ एक्सपर्ट्स ही डाटा का बेस्ट पॉसिबल यूज कर पाएंगे, सिर्फ एक्सपर्ट्स ही देख पाएंगे, सिर्फ एक्सपर्ट्स ही उसको एनालाइज करके प्रॉपरली उससे इंटरप्रिटेशन निकाल पाएंगे. डाटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस. ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप एक बार तो शहर के सारे लोगों की उम्र देख रहे हो, दूसरी तरफ शहर के सारे लोगों की हाइट देख रहे हो और दोनों डाटा को मिला दिया. ऐसा नहीं. अगर आप उम्र देख रहे हो तो सबकी उम्र देखो, एज हाइट देख रहे हो तो सबकी हाइट देखो, आधो की उम्र आधी, आधो की हाइट देख के कोई फायदा नहीं है. डाटा मिला भी दोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो जितना भी डाटा आपका है वो होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब सिमिलर होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एक जैसा ही होना चाहिए. तो इस पॉइंट के साथ हमारी लिमिटेशन खत्म हुई और लिमिटेशन खत्म होने के साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर भी यहीं पे ही खत्म होता है, समाप्त होता है. इसी के ही साथ ये वीडियो का कंटेंट भी खत्म हुआ. हमने चैप्टर नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स का कवर कर लिया. माइक्रो इकोनॉमिक्स हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं. 6 दिन भी आरटीजी सीरीज के बीत चुके हैं इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट में. तो इसका मतलब यह है कि हम काफी अच्छी पोजीशन पे हैं, हमको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है. और जब ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है तो हम रिलैक्स हो सकते हैं. रिलैक्स होने हो गए तो बहुत ज्यादा रिलैक्स मत हो जाना. अभी आप कल भी वीडियो आएगी, कल अकाउंट्स की, फिर बिजनेस की, इको की कल भी वीडियोस आएंगी, तो वो पढ़ना तो है ना. अभी के लिए थोड़ा सा आराम लो, और आराम ले ही रहे हो तो साथ साथ एक काम कर दो कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, ताकि यूट्यूब बता पाए कि हाँ भाई इस वीडियो में जो पढ़ाया गया है वो सही पढ़ाया गया है. क्योंकि यूट्यूब वालों को क्या, अमेरिका के लोग है ना, उनको हिंदी नहीं आती. तुम्हारे लाइक उनको बताएंगे कि मैंने सही पढ़ाया नहीं पढ़ाया. तो अगर मैंने सही पढ़ाया है उनको पता चल जाएगा, वो फिर आगे और बच्चों को बोलेंगे कि भाई इससे पढ़ो. तो तुम्हारे लाइक मेरे लिए तो बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं. फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.